तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई बातें और वो सारी बातें जो आपको जानना आवश्यक है। हम एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी म्यूजिक बजाए, बिना किसी समय और एनर्जी को वेस्ट किए हुए हम संक्षेप में आपके सामने सारी की सारी खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो आज शुरू करते हैं सुशांत सिंह के केस में जो ट्रेंडिंग चल रहा था कि सुशांत सिंह के जो वकील हैं विकास सिंह वो खुश नहीं है सीबीआई की जांच से। सुशांत के परिवार ने भी हताशा जाहिर की है कि जो सुशांत सिंह की जो जांच चल रही है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, क्योंकि इस तरह की जाँचों में बार बार जो है सीबीआई की घोषणाएं होती है लेकिन सुशांत सिंह की जांच में कहीं से भी कहीं तक सीबीआई की घोषणाएं नहीं हुई हैं। कहीं से कहीं तक सीबीआई जो है बता नहीं रही कि जांच किस हिसाब से चल रही है। सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने यह भी बताया है कि जिस तरह से मैंने फोटोग्राफ भेजे थे एम्स के डॉक्टर्स को, तो एम के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जिन फोटोग्राफ्स में उन्होंने साफ स्पष्ट किया था मेरे द्वारा भेजे फोटोग्राफ्स में कि सुशांत का स्ट्रैंगुलेशन हुआ है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। और अब जो है एम्स की टीम और सीबीआई जो है चीज़ों को डीले कर रही है, जानबूझ के डीले कर रही है। सुशांत सिंह का परिवार भी जो है वो काफ़ी हताश और निराश है, खासतौर पर जब इस तरह से बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हमारे देश की संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स जिनको हम कह सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज जब इस तरह से खबरें आती है तो एक अच्छी बात नहीं है। और सुशांत का परिवार जो है अब वो सीबीआई से भी खुश नहीं है। और सुशांत के लॉयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर ये सारी बातें कही है। तो एक अलग तरह का मोड़ सुशांत सिंह के केस में अब शायद नज़र आएगा और अगला हफ्ता जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा सुशांत सिंह के केस को जानने के लिए। हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में केस में हो क्या रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं बिहार में चुनावी गर्मा गर्मी का माहौल है। बीजेपी ने अपनी टीम में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, 12 नए उपाध्यक्षों को निर्वाचित कर दिया है। और तो और जो तेजस्वी सूर्या है साउथ के बेंगलुरु से सांसद, उनको युवा मोर्चा संभालने के लिए दे दिया गया है। इस तरह के काफ़ी चेंजेस बीजेपी ने किए, लेकिन बीजेपी की जो गाड़ी है वो पटरी पर नहीं है बिहार में। और तेजस्वी का झंडा जो है बिहार में अपनी गरिमा के साथ लहरा रहा है, घर घर तेजस्वी का जो कैंपेन एक आरजेडी ने चलाया था वो काफ़ी सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब बिहार में सर्वे किए गए, ऑनलाइन सर्वे किए गए, तो नीतीश और मोदी का जो गठबंधन है उसको सिर्फ 7% वोटिंग मिली है, बजाय इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी राहुल और कन्हैया वाला जो महागठबंधन है उसको सबसे ज़्यादा 86% के आसपास सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के बेटे हैं उनकी पार्टी को 200 से ज़्यादा सीट मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 200 सीट से भी ज़्यादा उनको मिल सकती है। और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस समय काफ़ी परेशान है, हताश है और निराश है, और बार बार उनको लालू प्रसाद का भूत सताता रहता है, क्योंकि जब भी वो भाषण देते हैं तो लालू प्रसाद के युग की वो एग्जाम्पल्स ज़रूर देते हैं, उनको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, लालू प्रसाद के कामों को बताते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और जनता को जो है कहीं ना कहीं उनसे उनकी सरकार से एक ग्रीवेंस हमेशा रहेगा। और 15 सालों में भी वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, और बीजेपी के गठबंधन के होते हुए भी कहीं भी जनता जो है उनके कामों की तारीफ नहीं कर रही है। काफ़ी लोगों ने इस 15 सालों में बिहार से पलायन किया है और बिहार में रोज़गार जो है ना के बराबर है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और बिहार में जो है एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो सिर्फ नाम के लिए चलाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह की सारी जो एक बेरोज़गारी की मुहिम तेजस्वी यादव ने चलाई थी पिछले हफ्तों में, वो काफ़ी उस पर जनता ने मोहर लगा दी है और काफ़ी उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जनता की तरफ से मिले हुए हैं, जो तेजस्वी यादव को एक फेस ऑफ बिहार बनाता है। और उनके जो पिता है लालू यादव वो जेल में ही बैठकर उनको गाइडेंस दे रहे हैं और उन जनता उनको काफ़ी पसंद कर रही है, जो ट्वीट्स आते हैं और जिस तरह से तेजस्वी लीड कर रहे हैं पार्टी को, बिहार की जनता उसको खासा
पसंद कर रही है और खासा रिस्पांस कर रही है उनके भाषणों को, और ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार का जो सुपड़ा है वो बिहार से पूरी तरह से साफ होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरएसएस ने जो पर्चा लीक करा है असम में, आरएसएस असम पुलिस में अपने कैडरों को भर्ती करना चाहती थी, इसलिए आरएसएस ने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया हुआ है और आरएसएस जो है सही संस्था नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने असम उच्च न्यायालय को ये भी कहा है कि आप इस मैटर में जांच कीजिए, क्योंकि बीजेपी का जो एक चर्चित नेता है असम का उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस चर्चित नेता ने पेपर्स लीक करवा दिए थे असम पुलिस भर्ती के, और उस चर्चित नेता की वजह से कांग्रेस ने जो है शिकंजा कसाया असम की सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है मैं आपको बता दूं। और ऐसे में पब्लिक में काफ़ी क्रोध का माहौल है, और खासकर स्टूडेंट यूनियन ASSU ने CM सर्वानंद सोनोवाल के पोस्टर्स जलाए, उनके पुतले जलाए और आक्रोश दिखाया है कि ये अन्याय है एक तरह से आरएसएस और बीजेपी की तरफ से उनके कैडरों को असम पुलिस में भर्ती किया जाना पेपर लीक करवा कर, और ये काफ़ी हद तक गलत प्रैक्टिस है। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इस सरकार के द्वारा देखने में आ रही है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जैसे मैं आपको कहती हूँ ये समझ में आते हैं इस सरकार के, लेकिन कोई जाँच नहीं करता है। तो ख़ास तौर पर इस बार कांग्रेस सरकार ने असम के उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि ये इस मैटर की जांच ज़रूर होनी चाहिए कि असम में कौन सा बीजेपी का नेता है जो पुलिस भर्ती के पेपर्स को लीक करा रहा है। तो ये चीज़ एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग थी और चर्चा में थी आज के दिन में। और किसानों के जो मूवमेंट्स की हम बात करते, किसानों के जो तीनों बिल पास हुए हैं फार्मर्स बिल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये समझ में आता है कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं और वो सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार बिल को वापस ले, लेकिन सरकार बिल को वापस लेने की फिराक में नहीं है और सरकार खुद भी अड़ी हुई है कि वो बिल वापस नहीं लेंगी। और किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो 29 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन SS पांडार जो है किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष, उन्होंने बताया है कि किसानों की बात अपनी तरफ जेन्युइन है और किसानों को भय है कि केंद्र सरकार जो है MSP की व्यवस्था को ख़त्म कर देगी, लेकिन केंद्र सरकार जो MSP की व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रही है। MSP की व्यवस्था पहले जैसे ही चलेगी, ना ही सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की फसलों को दे रही है या किसी भी कंपनी का मोहर जो है किसान की फसलों पर नहीं लगेगा, इस तरह से SS पांडार ने बताया है। SS पांडार ने ये भी कहा है कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब का है, शिरोमणि अकाली दल कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है। एक तरफ तो मोदी सरकार के साथ गठबंधन में जुड़े रहने की बात कहता है, दूसरी तरफ ये जाके किसानों को शिरोमणि अकाली दल सपोर्ट करता है आंदोलन के लिए, तो ये दोगलापन, दो तरफा व्यवहार जो है शिरोमणि अकाली दल कर रहा है, इस बारे में SS पांडार ने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसान जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार उनके हक में ही फैसला करती, क्योंकि हमेशा सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है और किसानों के लिए ही काम किया है। पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया नज़र आ रहा है, डेफिनेटली सरकार कॉरपोरेट्स को फार्मिंग में नया मुकाम दिलाना चाहती है, किसानों की फसल पे किसी ना किसी कंपनी का मोहर लगने के बाद में किसान जो है अपनी आमदनी से हाथ धो बैठेंगे और सारी आमदनी जो है पूंजीपतियों की जेब में चली जाएगी। हम देखते हैं अमृतसर के बरनाला में भी आज 4-व्हीलर्स के साथ में किसान पहुंचे और उन्होंने रेलवे की पटरियों पर पक्के टेंट लगा दिए हैं और कम से कम उन्होंने 14 से 15 ट्रेनों को उन्होंने रोका, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रयागराज और मुजफ्फरपुर में भी बिना प्रशासन के अनुमति के इस तरह के मूवमेंट हुए और काफ़ी ज़्यादा पुलिस की देखरेख में एक आंदोलन चल रहे हैं। और सरकार को समझ में आ रहा है कि
किसान परेशान है, किसान आतंकित है, किसान आंदोलित है और इनका एजिटेशन जो है पिछले 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि रेल रोको आंदोलन के बावजूद भी अगर सरकार टस से मस नहीं हो रही तो सरकार का ज़रूर कोई निजी फ़ायदा इसमें समझ में आ रहा है। जो सरकार ने रातों रात बिल बना दिया, अध्यादेश निकाल के बिल पारित भी कर दिए, तो इस बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि ज़रूर सरकार की कोई ना कोई चाल है और किसानों को एक बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश मोदी सरकार कह रही है। और राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को बाहर निकल कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो आंदोलन किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, और हरियाणा में भी खट्टर सरकार की हालत बहुत ख़राब है, खट्टर सरकार जो है परेशान है किसानों के आंदोलन से। सेम चीज़ जो है पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में भी इसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं। तो अब किसानों के आंदोलन चारों तरफ फैल गए हैं और किसान जो है अपने बिल जो है पारित बिल जो है सरकार से वापस दिलवा कर ही रहेंगे, लेकिन सरकार कहीं से कहीं तक किसानों की मदद करने में या उनके आंदोलन की सुनवाई करने के लिए खड़ी हुई नजर नहीं आती है और अपनी मनमानी पर बनी हुई है, जमी हुई है और अड़ी हुई है।